हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अमेजोन पे यूपीआई कैसे क्रिएट करें, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक करके, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको अमेजोन पे जो यूपीआई रजिस्टर करना है वो किसी लिंक से करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके अमेजोन पे यूपीआई क्रिएट कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा। तो मैं यहाँ पर अपने लिंक, तो ये आप देख सकते हो ये वाला लिंक के नीचे, इस पर मैं क्लिक करके अमेजोन पे रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करते हैं तो ये क्रोम ब्राउज़र में आपको ओपन करना है। तो क्रोम ब्राउज़र में ये ओपन कर देते हैं, जैसे ये ओपन होता है ये हमें यहाँ से रिडायरेक्ट कर देगा हमारे अमेजोन की ऐप में। अब हम आ गए हैं हमारे अमेजोन की ऐप में, और यहाँ पर हमें अपनी आईडी को लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, और पहले से आपके पास आईडी है तो यहाँ पर एंटर कर दें। तो मेरे पास यहाँ से पहले से ही आईडी है तो मैं उसको एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में कंटिन्यू करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है। तो आप देख सकते हो मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर अपना पासवर्ड जो अमेजोन पे आपने बनाया है वो पासवर्ड एंटर करना है, और उसके बाद में लॉगिंग पर क्लिक करना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड या गेट ओटीपी से भी आप अपने यहाँ पर लॉगिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, उसके बाद में आपको बताता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा अमेजोन का जो ऐप है वो ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है कि सेंड मनी करने पर आपको 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा। इसके बाद अगर आपने इस ऐप को परमिशन नहीं दी है तो वो परमिशन मांगेगा, फिर उसे अलाउ कर देना। उसके बाद आपसे सिम पूछेगा कि आप किस सिम पर अपना यूपीआई आईडी क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं अपने आइडिया सिम पर अपना यूपीआई आईडी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आइडिया पर क्लिक कर किया हुआ है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में ये, और हम जिस हमारा मोबाइल से हम वेरीफाई कर रहे हैं तो उसमें कुछ 1-2 रुपये होने चाहिए तब ही हमारा यूपीआई क्रिएट होगा। तो देखिए यहाँ पर 1.5 रुपीज़ हमारे कट गए, 1.5 रुपीज़, और यहाँ पर वेरीफाई के लिए मैसेज चला गया हमारे मोबाइल से और हो गया है। अभी हमसे बैंक अकाउंट पूछने के लिए बोल रहा है। तो मैं यहाँ पर अपना पेटीएम पेमेंट बैंक का मेरे पास है तो वही यहाँ पर लिंक करना चाहूँगा। तो पेटीएम पेमेंट बैंक आप लिंक कर सकते हो, एयरटेल पेमेंट बैंक भी लिंक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपना पेटीएम पेमेंट बैंक ये रहा तो उसे लिंक कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये लोड हो रहा है और ये सर्च कर रहा है कि आप क्या, देखिए यहाँ पर बता गया। अब नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हो गया क्योंकि मैंने उससे पहले से यूपीआई जनरेट कर रखा है। अब प्रोसीड टू सेंड मनी पर क्लिक करना है। अगर आप सेंड मनी करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपको मिल जाएगा 50 रुपये, और अगर आप रेफर करते हो तो आपको 31 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर सेंड मनी पर क्लिक करते हैं और अपना एक यूपीआई ट्रांजेक्शन कर देते हैं जिससे हमें 50 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। तो सेंड मनी पर क्लिक किया, अब ये हमारे सामने एंटर यूपीआई पिन बोल रहा है। यूपीआई पिन आप चाहे पेटीएम का डाल सकते हो, किसी का भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपना पेटीएम का यूपीआई पिन डाल रहा हूँ, अपना मोबाइल नंबर @paytm। तो जैसे ही ये एंटर होता है तो क्लिक करना है, उसके बाद आप वेरीफाई होगा ये, अगर सही है यूपीआई तो यहाँ पर आगे प्रोसीड हो जाएगा, गलत है तो आपको बता देगा। अब मैं यहाँ पर आपके सामने अमाउंट डालता हूँ। तो अमाउंट आपको मिनिमम 250 रुपये डालना है, लेकिन मैं यहाँ पर 501 रुपये का ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। आप भी 500 से ज़्यादा का ही ट्रांजेक्शन करना, आपको बेनिफिट मिल सकता है ज़्यादा। तो प्रोसीड पर क्लिक किया, आप अपना यूपीआई पिन यहाँ पर एंटर करने को बोला जा रहा है। तो मैं अपना यूपीआई पिन एंटर कर देता हूँ, उसके बाद मैं सेंड मनी कर देते हैं। तो जैसे ये सेंड मनी हमारा सक्सेसफुल होता है, देखिए सक्सेसफुल हो गया है। सक्सेसफुल होने के बाद अब मैं आपको अपना डायरी ओपन करके बताऊँगा जिसमें हमें कैशबैक मिला होगा, अमेजोन पे स्टेटमेंट। तो अभी मैं आ जाता हूँ, 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद देखिए मैसेज भी आ गया है, 50 रुपीज़ ऐड योर अमेजोन पे अकाउंट बैलेंस। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने स्टेटमेंट ओपन की, तो स्टेटमेंट में आप देख सकते हो फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑफर गिफ्ट कार्ड ये वाला, तो 50 रुपये का हमें कैशबैक मिला है। आप भी फर्स्ट टाइम अगर यूज करते हो अमेजोन पे बैलेंस मनी ट्रांजेक्शन के लिए तो आपको 50 रुपये मिलेंगे। तो अच्छी बात है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आपको 50 रुपये मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।